गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लाइव क्लास। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी ईवीएस की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो सब लोग अपनी ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकालो और देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। अभी देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 ये जो है वो हमने अपने लास्ट क्लासेस से स्टार्ट किया था। ओके, लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ 4 क्वेश्चंस देखे थे और उनके आंसर भी देखे थे। ओके, तो आपने अच्छे से पढ़े ही क्या वो, तो आपको वो सब अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अभी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने न्यू क्वेश्चंस। ओके, तो देखो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो चलो अभी सब लोग ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दो। देखो यहाँ पे अपने पास आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो पढ़ो अच्छे से। व्हाट डज द सन गिव अस, मतलब क्या होता है इसका, समझ में आया आपको? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि सन हमें क्या देता है। सन यानी कि सूरज, वो तो आपको पता ही है। तो ये जो सन है वो हमें क्या देता है, सन से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है एंड लाइट। अभी हीट एंड लाइट मतलब क्या होता है, हीट मतलब उष्णता ऊर्जा पता है आपको, एंड लाइट मतलब रोशनी या फिर प्रकाश। ओके, देखो सन गिव अस हीट एंड लाइट मतलब ऊर्जा एंड प्रकाश, समझ में आया आपको? ओके, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाई डू स्टार्स लुक वेरी स्मॉल, ये जो स्टार्स होते हैं आसमान में पता है आपको, जो नाइट में दिखते हैं हमें, तो ये जो स्टार्स है वो इतने छोटे छोटे क्यों दिखते हैं हमें? देखो ना, वैसे तो स्टार बहुत बड़े होते हैं पता है आपको, मतलब स्टार का जो साइज होता है वो मून से भी बड़ा होता है। कोई कोई जो स्टार होते हैं वो मून से भी बड़े होते हैं। ओके, लेकिन फिर भी वो हमें स्मॉल क्यों दिखते हैं? तो क्या है इसका आंसर, कि बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार्स है फार अवे यानी कि बहुत दूर। ओके, तो जहाँ पे हम रहते हैं यानी कि हम कहाँ पे हैं, हमें अर्थ पे। ओके, तो अर्थ से ये जो स्टार्स है वो बहुत दूर है, इसलिए वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ओके, समझ में आए हैं? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना, नेम एनी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। वेदर यानी कि क्या होता है, मौसम। तो ये जो मौसम है, मौसम तो बहुत अलग अलग टाइप का होता है, कभी रेनी होता है, कभी सनी होता है, कभी विंडी होता है ना। तो ये जो वेदर के टाइप्स है उनमें से आपको कोई भी 2 टाइप्स लिखने हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्लाउडी एंड रेनी। कौन सा लिखा हमने, क्लाउडी एंड रेनी, समझ में आपको? उसके बाद क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो इन विच सीजन डज इट रेन मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो ना, वैसे तो ये कभी भी कौन से भी मौसम में एक आध बार आ जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा मौसम है जिस मौसम में रेन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ज्यादा से ज्यादा आता है, कौन से सीजन में आता है? देखो आंसर, इन द रेनी सीजन रेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि रेनी सीजन में जो रेन होता है वो बहुत, मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आता है, समझ में आया आपको? तो आज की क्लास में हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 के कुछ 4 क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स देखे हैं, तो वो सब आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख के दिया वो अपनी नोटबुक